मैडम ये देख लीजिए, AAI 2023 में अगर लॉ ऑफिसर के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्या एग्जाम पैटर्न है इनका और कौन सी बुक आपके लिए सही रहेगी, ठीक है। बहुत छोटा सिलेबस है और किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक का कितना वेटेज है सारा कुछ आपको बताया गया है। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लॉ ऑफिसर के लिए है ये। अगर एज ए लॉ ऑफिसर आप उसमें आवेदन कर रहे हैं तो सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है और कौन सी बुक आपको पढ़नी है, तो पूरा देख लीजिए ये। हेलो फ्रेंड, ये देख लीजिए, सिलेबस एंड वेटेज फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये सिलेबस देख लीजिए, जो इनका बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस इन्होंने निकाला है, ठीक है। और वेटेज देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक दी है, वो केवल एक बुक से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझ लीजिए इनका जो सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है, 120 का मार्क्स का तो इनका पेपर होगा, ड्यूरेशन 2 घंटे की है, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में पेपर आएगा आपका। पार्ट ए में जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल इंटेलिजेंसी रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, इंग्लिश रहेगा, ठीक है। ये 30% का वेटेज है, मतलब 100 में 30 नंबर इससे पूछे जाएंगे, बाकी आपका लॉ से पूछा जाएगा, आपने वकालत जो पढ़ी है उससे पूछा जाएगा। अब उसमें देखिए ये टॉपिक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन, कॉन्सिलेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, ऑल लेबर लॉ एंड लेबर कोड्स, कोड्स ऑफ सिविल प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, AAI एक्ट है, एयरक्राफ्ट एक्ट है। ये देखिए एयरक्राफ्ट एक्ट, क्योंकि आप एयरपोर्ट अथॉरिटी में जाएंगे इसलिए एयरक्राफ्ट एक्ट एक्ट के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, उसी तरह बैंक करप्टी कोड है, लॉ रिलेटिंग टू टेंडर्स, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इन कंपेरिजन ऑफ लॉ इंडिया, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये पूरा इनका सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, इसी को आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। डिस्कशन में जाके आप बुक देख सकते हैं, ऑनलाइन आप मंगा भी सकते हैं बुक, ठीक है। इसी तरह वीडियो जॉब और करियर के रिगार्डिंग आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इस तरह के अपडेट आपको रेगुलर बेस पर मिलते रहे।